नमस्ते वेब मास्टर्स, हमारी इस वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का सवाल हमसे अर्जुन ने पूछा है। अर्जुन पूछते हैं, अगर चार या पांच अलग अलग वेब मास्टर को एक ही स्रोत से उनकी न्यूज़ मिलती है, लेकिन सब अपने अलग अलग तरीकों से लिखते हैं, तो गूगल इनमें से किसे अच्छा रैंक करेगा? तो अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। तो संक्षिप्त जवाब ये है कि ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि एक साइट गूगल के तकनीकी दिशा निर्देशों का अच्छी तरह से पालन करती है या नहीं, और इन अलग अलग आर्टिकल्स में से हर एक पर कंटेंट में क्या अंतर है। एक साइट जो हमारे क्वालिटी दिशा निर्देशों का पालन करती है आमतौर पर रैंकिंग में अच्छी रहेगी, खास तौर पर अगर पेज का कंटेंट उच्च गुणवत्ता वाला, जानकारीपूर्ण और मूल यानी कि ओरिजिनल है। आप हमारे हेल्प सेंटर में इन दिशा निर्देशों के बारे में और पढ़ सकते हैं, उस लिंक को हम नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। हालांकि अगर आप विभिन्न वेबसाइटों से लिए गए कंटेंट को फिर से लिखने के बारे में पूछ रहे हैं, या जिसे हम कंटेंट स्पिनिंग भी कहते हैं, तो ये एक बहुत खराब प्रैक्टिस है। स्क्रैप किए गए कंटेंट के बारे में गूगल की पॉलिसी बहुत साफ है, अन्य साइटों से कंटेंट को कॉपी ना करें। स्क्रैपिंग के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि पहला, ऐसी साइटें जो किसी भी अन्य साइट से मूल कंटेंट को कॉपी और दोबारा पब्लिश करती हैं। दूसरा, साइटें जो अन्य साइटों से कंटेंट को कॉपी करती हैं और उसे थोड़ा बहुत बदल देती हैं, उदाहरण के लिए किसी शब्द के पर्यायवाची को बदलकर या ऑटोमेटेड तकनीकों का उपयोग करके। तीसरा, ऐसी साइटें जो कि बिना कोई खास ऑर्गेनाइजेशन या वैल्यू प्रदान किए या यूजर्स को किसी लाभ के बिना अन्य साइटों से कंटेंट फीड को रिप्रोड्यूस करती हैं। अगर आप ऐसी किसी भी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो आप गूगल की नीतियों का उल्लंघन कर रहे हैं और आपको तुरंत ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। इसके बजाय आपको यूजर्स के लिए ओरिजिनल और हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने पर ध्यान देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अगर आपके पास आगे कोई भी और प्रश्न है तो आप हमारी इंडिया जी प्लस कम्युनिटी या वेबमास्टर हिंदी प्रोडक्ट फोरम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, उनकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमस्कार जी।